सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका वंडर ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रखी है आज, क्योंकि आज है संडे और पूरे दिन हम लोग जो है बिजी थे, गांव गए थे। तो सोचा तो था मैंने डेली ब्लॉग बनाऊंगे करके, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारा काम है। दीपावली का एक ही हफ्ता बचा है, अब दीपावली नज़दीकी है और साफ़ सफाई जो है हमारी पूरी वैसी पड़ी थी, तो इसलिए हम लोग आज गाँव गए थे। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने जालियों में पेंट किया और थोड़ी बहुत सफाई हमने घर की, बाकी तो हल्का पेंट वगैरह नहीं किया इस बार, क्योंकि पेंट वगैरह करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए था जो हमारे पास नहीं था, क्योंकि मंडे से फिर बच्चों का स्कूल शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कल शाम को गए थे, यानी कि सैटरडे को गए थे, और संडे को हमने पूरे दिन जो है घर में सफाई वगैरह की, पेंट दरवाज़ों में जो जालियाँ हैं उनमें जो है पेंट वगैरह किया। उसके बाद शाम को हम लोग घर में आए, यहाँ आ गए थे वर्धा में। तो अभी मेरे पीछे साइड आप देख रहे होंगे कढ़ाई रखी है, तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी में बन रही है आज हरी सब्जी। तो आप देख सकते हैं हरी पत्ते भी रखे हैं साथ में, और साथ में बना रहे हैं एक और सब्जी जो कि है तुरई और आलू मिक्स करके। तो दो सब्जियाँ आज बना रहे हैं साथ में। तो आप लोग सोचोगे कि शाम से क्यों ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है करके, तो इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो है वड्डा में रामलीला चली है। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें जो है मैंने डाला था कि उस दिन सीता स्वयंवर हो रखा था, और थोड़ा हम लेट हो गए थे उस दिन क्योंकि बच्चे जो है होमवर्क वगैरह और खाना वाना बनाने में हमें थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए थे। बाकी जो है सीता स्वयंवर हो चुका था, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्कूली बच्चे, उन्होंने काफ़ी सुंदर डांस किया था उस दिन, छलिया नृत्य किया था, और तो काफ़ी सुंदर लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि बच्चों में जो है उत्साह है इस चीज़ को करने के लिए। तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे, तो जिसने नहीं देखा है वो आप लोग देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। और आज भी कल जो था फिर शुभनखा का नाक कटा था, तो आज है सीता हरण, तो इसलिए हम लोग आज फटाफट से खाना बना रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है अभी उजाला ही है, ज़्यादा अंधेरा नहीं हो रखा है, लेकिन टाइम से जाएंगे तो फिर सीट मिलेगी, नहीं तो सीट नहीं मिलती है, किसी किसी दिन काफ़ी भीड़ रहती है, तो इसलिए फटाफट से खाना बना रहे हैं और फिर चले जाएंगे रामलीला देखने के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर देखना रावटा की रामलीला कैसी होती है करके, तो बहुत ही अच्छी होती है, और जो छोटे छोटे जो किरदार है ना वो छोटे छोटे ही बने रहते हैं, ज़्यादा उम्र के नहीं होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों बने रहते हैं, और तो काफ़ी अच्छा लगता है वो देख के कि बच्चों में जो है रामलीला करने के प्रति जो है भावनाएं होती हैं उनके। तो स्कूली बच्चे होते हैं और थोड़े बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं होते हैं, 30-35 ऐसे करके बने रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर देखना वड्डा की रामलीला। तो अभी सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं, खाना ना खा लिया है हमने, और अब हम तैयार हो चुके हैं रामलीला देखने के लिए, और वहाँ पे जो है अभी आरती चल रही है, तो आज जल्दी से चले गए हम लोग, तो जल्दी हमने खाना ना बना लिया था तो जल्दी से चले गए। तो चलते हैं रामलीला की ओर, और खुद भी देखते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो बने रहना वीडियो में। बोला ही मत। वो आ गए राम जी, राम सीता लक्ष्मण सारे आ गए, सही टाइम पे पहुंचे हम। हाँ, ये इतने बैठे हैं, आगे बजाएं।
मेरा नाम स्वीकार आज अकेले यहाँ आने का क्या आशय है? सेवक बारिश के लिए क्या आशा? हिरन आ रहा है देखना अभी। स्वामी कैसा विचित्र है, इसका क्या अति उत्तम होगा, इसे मेरे लिए ला दे। हे लक्ष्मण, तुम देश काल प्रतिष्ठि में अपने बुद्धिबल से काम लेना और सीता की रक्षा करना और इसे अकेली मत छोड़ना। मैं इस मृग को अभी मार कर रक्षा करो। हे लक्ष्मण, अवश्य कोई संकट आ गया है, इसीलिए हमें पुकारा है, अतः तुम शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो। माता, आप इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु को हानि पहुंचा सके। लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई, तुम अपने भ्राता का अनिष्ट चाहते हो, अवश्य ही तुम्हारे मन में मेरे लिए कुवासना है, इसीलिए तुम अपनी भ्राता की सहायता को नहीं जा रहे हो। हे माता, हे विधाता, ऐसे कटु वचन सुनने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? मैं अभी भ्राता की सहायता में जाता हूँ, तब तक
आप रेखा से बाहर ना आइए। अपनी पंचनामी बनाऊंगा। चलो सीते।